नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और आप देते हैं खबरों को विस्तार। नर्मदा जिले के बागड़िया गांव के पास सूर्य कुंड के बगल में पुराने ब्रिज के नीचे रिवर राफ्टिंग ऑफिस का निर्माण कार्य हो रहा है, जो काम जेपी कंपनी को मिला। यह काम करते समय पानी की बड़ी पाइपलाइन पिछले 3-4 दिन से टूट गई थी, जिसके कारण केवड़िया कॉलोनी की जनता को पिछले 4-5 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। हालांकि पानी की समस्या के बारे में कई बार संबंधित कचहरी में जाकर फरियाद भी दर्ज करवाई है, लेकिन आज तक प्रजा की यह फरियाद कोई भी ध्यान नहीं लेता, जिसके कारण केवड़िया कॉलोनी की जनता पिछले 4-5 दिन से परेशान है। क्या पानी की यह समस्या संबंधित कचहरी द्वारा हल होगी या सब सलामत है कि नीति अपनाई जाएगी? गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील के वागड़िया गांव के पास सूर्यकुंड डाल के बगल में रिवर राफ्टिंग ऑफिस का निर्माण हो रहा है, जो काम जेपी कंपनी वाले कर रहे हैं। हालांकि यहां पर काम करते करते पिछले 3-4 दिनों से पानी की जो पाइपलाइन है वह टूट गई है, जिसके कारण केवड़िया कॉलोनी की जनता को पानी की मुसीबत करने का सामना आया है। और पिछले 5-6 दिनों से केवड़िया कॉलोनी की जनता को पानी नहीं मिल रहा है। अभी आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर जो पानी की पाइपलाइन है वह टूट गई है। हालांकि कचहरी के कर्मचारियों यह पानी की पाइपलाइन जोड़ने में जुटे हुए हैं, लेकिन 8 दिन तक उसकी समस्या हल नहीं हुई। हालांकि पानी के बारे में कई बार केवड़िया कॉलोनी की जनता ने कचहरी में जाकर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है, लेकिन 8 दिन तक यह जनता की किसी भी फरियाद को कोई कान पे नहीं लेता और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।